हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे। पता नहीं मैं ये व्लॉग डालूंगी कब, बट होपफुली बहुत जल्दी। आज है जी 14 अगस्त, और जा रही हूँ मैं कहीं, अभी मुझे शोर नहीं है तो मैं आपको बताऊँगी। हमेशा मैं व्लॉग्स में यही कहती हूँ, वैसे मुझे शोर नहीं है। यस गाइज, हम बाद में डिसाइड करते हैं ना। तो या सो वी आर जस्ट गोइंग टू पिक अप जवेरिया और उसके बाद हम आगे जाएंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। जैसा भी है जो भी है, फिर भी दिल है पाकिस्तानी वाला सीन है। एनीवे ये देखो लोग ऊपर से देख रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हम अभी रोड की सिचुएशन देख के डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। इस्लामाबाद की तरफ रुख करने लगे हैं, और डिपेंड करता है, F9 पार्क में एक फेस्टिवल हो रहा है, शायद उधर जाएँ, बट अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रोड, रश है, क्या सीन है, क्या नहीं है। रात को हम नहीं निकले, फायरवर्क्स नहीं देखे इस दफ़ा, बिकॉज काफ़ी रश हो जाता है एंड इट गेट्स रियली लेट, और बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गाइस रश है, बहुत रश है, और देख लें कि क्या सीन है। काफ़ी आगे तक रश है, और सोच रहे हैं अभी कि आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तेरे बिना। हाँ जी गाइस, तो रास्ते में वाकई बहुत रश था और ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक थी। अगर आप लोग 13th को निकलेंगे 13th की रात को, फिर तो आप समझें कि मतलब यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर फन, और आपकी गाड़ी नहीं चलेगी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक के अलावा भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सो या लेकिन हम 14th को निकले थे, 14th को भी प्रॉब्लम्स होती हैं रोड पे, रश रहता है बिकॉज सिक्योरिटी थी, क्योंकि आगे जो है वो चेक पोस्ट थी और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक पुलिस वगैरह थी, इसलिए रश था। अदरवाइज़ रोड का कोई इतना इशू नहीं था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं थी, लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उस चेक पोस्ट की वजह से काफ़ी रश हो गया था। अच्छा, तो गाइज़ ये वो चेक पोस्ट थी, और हमने डिसाइड कर लिया हुआ था कि हमने कहाँ जाना है। हमने जाना था एशियन वॉक, कुछ अच्छा खाने, बिकॉज़ बाहर निकले थे आउटिंग के लिए, खाने के लिए। पार्क वाला सीन कोई इतना वो था नहीं, हमने वो रोड की कंडीशन देख के डिसाइड करना था, और जब इतना रश देखा तो ऑब्वियसली पार्क में इससे डबल रश होना था, पार्किंग के इशूज़ होने थे, इसलिए वी डिडंट वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल दैट। तो हमने वी जस्ट डिसाइडेड कि हम कुछ खा के वापस आ जाते हैं। सो वी वेंट टू एशियन वॉक, लेकिन वहाँ पे भी एक प्रैंक हो गया हमारे साथ, आई विल जस्ट टेल यू दैट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ जी, तो हम आ गए एशियन वॉक बेवरली सेंटर, बिकॉज बाकी हर जगह पे रश था। चलो ये भी हमारे साथ आइए, आ जाओ। जानी होल्ड माय हैंड। नो भाई, मुस्तफा इज नो लिफ्ट क्राइंग। Mustafa is busy with his nano, और टेबल क्लीन हो रहे जी, हाई टी वाले जा रहे हैं और हम आ रहे हैं। गाइस ऑर्डर कर दिया हमने एशियन वॉक में पहुंच के, और फ्री कमेंट मार गिल्डा भी ले लिया, और ऑर्डर आएगा तो दिखा दूंगी। बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन एक डिस्काउंट चल रहा था इनका कार्ड्स पे। आप लोग जब भी आते हैं आप इनका इंस्टाग्राम पेज विजिट करके आएँ, ताकि आपको पता लग जाए कोई डिस्काउंट डील्स चल रही हैं। तो मुझे बस कर दो गाइस, यम्मी यम्मी खाना, यम्मी यम्मी यम्मी, चली जाओगी। One eternity later. हाँ जी, done and dusted.
खाना हो गया ख़त्म, काफ़ी बच गया था और पैक करा लिया। अच्छा, इनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और अकेले 2 घंटों का आना जो है वो यूजुअली वेस्ट ही जाता है, तो ज़्यादा लोग हों तभी यहाँ पे आएँ। बट द टेस्ट इज़ रियली गुड, इट्स द बेस्ट आई गेस। बहुत अच्छा चाइनीज़ है, इट्स बाय मोनाल, तो मोनाल का और इसका टेस्ट सेम है। और उसके अलावा अभी बिल आता है तो फिर मुझे हार्ट अटैक आएगा, तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी। गाइस, 10,000 का बिल दे के ये टॉफ़ी मिली है। हाँ जी, तो पता लगा है कि जो डिस्काउंट हम ढूंढ रहे थे वो एक्चुअली एक झूठ था, वो दूसरे बैंक पे था। नो गॉड प्लीज नो नो। खाना गया है काफ़ी सारा बच, लेकिन अच्छा था, मज़े का था, बट बिल बहुत बन गया और डिस्काउंट जो हमने देखा था वो गलत देख लिया था हमने, तो बिल बन गया 10,000 चार लोगों का, जो कि बच भी गया है। अच्छा ठीक है, देती हूँ। चलो भाई, कोई नहीं, होता है, चलता है दुनिया। Okay guys, so that's it about this vlog. I hope you liked it. If that's the case, don't forget to press the bell icon and subscribe to my channel. पैसे लग गए लेकिन चले कोई नहीं, it was worth it. The food was yummy. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.